morning students. Today we will learn the comparison of fractions. Okay? So आज हम जो हमारी fractions होती है उनको compare करना सीखेंगे, है ना? हमें देखना है कौन सी fraction हमारी small है and कौन सी fraction हमारी जो biggest है. Okay? तो आपको compare करना है, ठीक है? Bigger and smaller आपको जो है फ्रैक्शन से उनको आपको पहचानना है. तो आपको कैसे पहचानेंगे? इसके पहले हमने फ्रैक्शंस को लिखना एंड उनको वर्ड्स में लिखना, ठीक है, वो सब हमने सीखा. कैसे आप फ्रैक्शन किसी भी शेडेड पार्ट के लिए, किसी भी शेप के शेडेड पार्ट के लिए आप फ्रैक्शन लिखते हैं. ओके, तो आपको उसी की हेल्प से आज क्या सीखना है? कंपेरिजन. ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे देखो एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये हमारे पास में सर्कल है, ठीक है. अब ये हमारा कितना फोर पार्ट में डिवाइड है, ये दोनों सेम सिमिलर सर्कल्स हैं एंड ये हमारा कितने पार्ट में डिवाइड है? फोर फोर पार्ट में डिवाइड है. इसका जो शेडेड पार्ट है वो है ये. ओके, ये इसका है शेडेड पार्ट और इसका शेडेड पार्ट क्या है आपका? ये है इसका शेडेड पार्ट. ठीक है, अब पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों शेडेड पार्ट के लिए फ्रैक्शन लिखेंगे. ठीक है, तो मैं इन दोनों शेडेड पार्ट के लिए लिखती हूँ. इसके लिए पहले मैं लिखूंगी तो कितना होगा, देखो आपको वही पहले आपको डिनोमिनेटर लिखना है, फिर आप न्यूमरेटर लिख सकते हैं. तो वन टू थ्री फोर, ये फोर पार्ट में डिवाइड है, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा? फोर. एंड आपका न्यूमरेटर क्या होगा? देखो शेडेड पार्ट कितना है हमारा? वन. ठीक है, तो हम वन लिख देंगे न्यूमरेटर. ओके, एंड आपका ये जो पार्ट है ये देखिए, इसमें देखो आप यहाँ पे देखो फोर पार्ट है आपके पास में. ओके, ये फोर पार्ट से सेम इसी की तरह, तो इसका जो डिनोमिनेटर है इसका भी क्या होगा? फोर. एंड जो इसका जो न्यूमरेटर है वो कितना होगा स्टूडेंट्स? शेडेड पार्ट आपका काउंट कीजिए, वन टू थ्री, तो शेडेड पार्ट कितना है? थ्री. तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो गई? थ्री बाई फोर. एंड इसकी फ्रैक्शन हमारी क्या हो गई? वन बाई फोर. तो स्टूडेंट्स अब आपको ये देखना है कि किसकी फ्रैक्शन लार्ज है एंड कौन सी फ्रैक्शन स्मॉल है. तो अब आप यहाँ देखिए किसका शेडेड पार्ट ज्यादा है आपका? उसका शेडेड पार्ट ज्यादा है एंड इसका कम है हमारे पास में. ओके, इसमें एक ही पार्ट शेडेड है और इसमें थ्री पार्ट जो है वो शेडेड है. तो आपकी कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी? ऑब्वियसली ये वाला आपका बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया. तो स्टूडेंट्स अब देखो ये था हमारा डायग्राम बना के. अगर आप डायग्राम बना के देखते हैं, आप इस तरह से शेप्स बना हुआ है आपके पास में, तो आप इजीली पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा पार्ट जो है बड़ा होगा, मतलब किसकी फ्रैक्शन, ठीक है, कौन सा शेप हमारे लिए शेडेड पार्ट बड़ा होगा. शेडेड पार्ट इसका ज्यादा है तो ये फ्रैक्शन बड़ी होगी, इसका कम है तो ये छोटी होगी. बट अगर आपको शेडेड पार्ट नहीं दिया हुआ हो या फिर कोई शेप नहीं दी हुई हो तो आप फ्रैक्शंस को कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है? तो उसके लिए आप देखिए, सबसे पहले आपको कोई भी फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए नीचे देखना है कि उनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए. ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो फिर उसके बाद आप देखेंगे इनका न्यूमरेटर. अब न्यूमरेटर आप देखो किसका बड़ा है? ऑब्वियसली थ्री बड़ा होता है एंड वन हमारा छोटा होता है. ठीक है, तो थ्री हमारा लार्ज एंड वन हमारा स्मॉल हो गया, तो फ्रैक्शन भी कौन सी हमारी लार्ज होगी? ये वाली. एंड ये आपकी फ्रैक्शन होगी स्मॉल. ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे आप? कैसे फाइंड करेंगे? ये फोर है आपके पास में और यहाँ भी फोर है. डिनोमिनेटर आपको पहले देखना है कि सेम है या नहीं है. डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आप इनका न्यूमरेटर देखेंगे और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा तो वो फ्रैक्शन बड़ी होगी एंड जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन हमारी छोटी होगी. ओके, तो ये हो गई हमारी स्मॉल एंड ये हो गई हमारी लार्ज. ओके, ठीक है, तो अब आपको इनके बीच में साइन लगाना है. तो कैसे लगाएंगे आप साइन? आप देखो बड़ी कौन सी है, लार्ज कौन सी है, ये वाली, तो इसकी तरफ हम कौन सा साइन लगाएंगे? ये वाला, ठीक है. एंड ये आपकी स्मॉल है तो हम कौन सा साइन लगा रहे हैं? लेस देन वाला. तो वन बाई फोर लेस देन थ्री बाई फोर. ओके, कैसे रीड करते हैं? वन बाई फोर, ठीक है, वन फोर्थ लेस देन थ्री फोर्थ. ठीक है, क्योंकि ये आपकी छोटी है एंड ये बड़ी है तो इसमें साइन कौन सा लगेगा? ये वाली. ठीक है, अगर देखो आप ये था हमारा साइन. तो आपको अगर ऐसे क्वेश्चन में हो कि साइन आपको लगाना हो, पुट द साइन
ग्रेटर देन है लेस देन, तो आप कैसे लगाएंगे? इस तरह से जैसे मैंने बोला जो आपकी फ्रैक्शन बड़ी है उसकी तरफ आप क्या लगा देंगे, सॉरी अगर जैसे आपकी ये वाली फ्रैक्शन छोटी हो तो आप लेस देन का साइन लगाएंगे, अगर ये फ्रैक्शन आपकी बड़ी होती तो आप ग्रेटर देन का साइन लगाते। ओके, तो इस तरह से आपको ये इस टाइप की क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास में डिनोमिनेटर अलग अलग हो, ठीक है, क्या हो, डिनोमिनेटर अलग अलग हो, तो आप क्या करेंगे, देखो जैसे मैंने यहाँ पे कोई फ्रैक्शन दी है 2/3 एंड 1/2, ओके। देखो अब हमें क्या करना है, इनके बीच में कोई साइन लगाना है, ये है यहाँ पे, ये मैंने बॉक्स बना दिया, आपको इसमें साइन लगाना है किसका, या तो आप ग्रेटर देन का लगाइए या आप लेस देन का लगाइए, ठीक है। तो आपको ग्रेटर देन का साइन लगाने के लिए पता हो, ग्रेटर देन या लेस देन का साइन लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फ्रैक्शन हमारी बिग है और कौन सी स्मॉल है, ओके। तो ये फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखना होता है कि डिनोमिनेटर जो है आपका वो सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। सेम का हम कैसे बनाएंगे, देखो आपको इसमें कॉमन निकाल थ्री, और देखो आपको इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे ये सेम बन जाए, ठीक है। कैसे आप करेंगे, अगर मैं यहाँ पे 3 को 2 से, देखो 2/3 को मैं 2/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, एंड यहाँ पे 1/2 को मैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएगा। कैसे, देखो 2 2 4, 3 2 6, ओके, एंड देखो यहाँ 1 को 3 से करेंगे तो 3 and 2 3 6, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए इनका जो डिनोमिनेटर है वो मैंने सेम बना लिया, तो सेम मैंने कैसे किया, आपको यहाँ पे ऐसे नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है जिससे कि ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाए। यहाँ पे 3 था, यहाँ 2 था, लेकिन मैंने यहाँ पे इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 3 से कर दिया। तो आपको अगर ऐसा नंबर समझ में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 3 है एंड यहाँ पे 2 है, तो इधर वाले 2 को आप इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड इधर वाले 3 को नीचे वाले 3 को इधर ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो जो इनका डिनोमिनेटर है वो कैसा बन जाएगा, सेम बन जाएगा, ओके। अब आप देखिए आपका डिनोमिनेटर जो है वो सेम बन गया है, ओके। अब आपको इसमें देखना है कि इनका न्यूमेरेटर किसका बड़ा है, तो 4 आपका बड़ा होता है कि 3 बड़ा होता है, ऑब्वियसली 4 बड़ा होता है, तो हम ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, ओके। तो इस तरह से आपको ये साइन लगाने हैं, कैसे, आपको सबसे पहले क्या देखना है कि इनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो आप क्या देखेंगे, न्यूमेरेटर देखेंगे, न्यूमेरेटर जिसका बड़ा होगा वो फ्रैक्शन हमारी बड़ी होगी, ओके, एंड जिसका न्यूमेरेटर हमारा छोटा होगा वो हमारी क्या होगी, स्मॉल फ्रैक्शन होगी, ठीक है। अगर आपके पास में डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, डिफरेंट टाइप का है, ठीक है, अलग अलग है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए, जैसे मैंने आपको बताया इसका जो डिनोमिनेटर है इसको आप ऊपर नीचे इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो डिनोमिनेटर है उसको आप इस साइड में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आपको अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई करना है, ओके। फिर आप जो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मल्टीप्लाई मैंने 2 को 2 से किया तो 4, 3 को 2 से किया तो यह 6, 1 को 3 से किया तो 3, 2 को 3 से किया तो यह 6, ओके। तो इनका जो डिनोमिनेटर है वो कैसा हो गया है, सेम हो गया है, ठीक है, सेम सेम है डिनोमिनेटर, तो हमारे पास में डिनोमिनेटर सेम आ गया। तो अब हम न्यूमेरेटर देखेंगे, अब न्यूमेरेटर आप देखो किसका हमारे पास का बिग है, किसका लार्ज है न्यूमेरेटर, हमारे पास में देखो 3 और 4 दोनों है, तो 4 और 3 में से कौन लार्ज होगा, 4, ठीक है, तो हमारी 4/6 जो क्या है फ्रैक्शन वो लार्ज हो जाएगी। तो ये फ्रैक्शन हमारे पास में कितनी थी, ये, तो मतलब हमारे पास में ये साइन कैसा आ गया, ग्रेटर देन का, तो आप यहाँ पे साइन लगा सकते हैं ग्रेटर देन का, ओके। आपको ग्रेटर देन एंड लेस देन का साइन लगाना आता है, हम पहले भी इसे पढ़ चुके हैं, आप इनका यूज कैसे करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम लेस देन एंड ग्रेटर देन का साइन कैसे लगाते हैं, और जिसको नहीं पता है वो भी ध्यान से समझ लीजिएगा, ओके। तो आपको